अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पिन आउट कैसे होते हैं और मुख्तलिफ मालूमात इसमें हासिल करेंगे। साथियों, ये जो उल्टे हाथ पर आपको स्क्रीन में जितने भी डिवाइसेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर जो हैं वो पॉजिटिव सप्लाईज को रेगुलेट करने के काम आते हैं, जबकि दाएं तरफ दिखाए जाने वाले डिवाइसेस जो हैं सारे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। और नाम से जाहिर है कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर नेगेटिव सप्लाईज को रेगुलेट करने के काम आते हैं। ये तमाम रेगुलेटर मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं और इंजीनियर्स ने इन शेप्स को मुख्तलिफ नाम दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पिक्चर में देखिए TO92, TO220 या SM8। जो डिवाइस सरफेस पर माउंट किए जाते हैं उसको SMD डिवाइस कहा जाता है और इसके पैकेज का नाम है SM8। इस पैकेज का करंट सबसे कम होता है। इसके बाद TO92, इसका करंट SM8 से ज़्यादा होता है, और TO220 इसका करंट इससे ज़्यादा होता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे हीट सिंक भी लगा हुआ है। TO220 का करंट अमूमन 1 एम्पियर तक होता है। साथियों, अब आते हैं रेगुलेटर की पिन आउट की तरफ। हर रेगुलेटर की 3 पिन होती हैं, जिसमें एक इनपुट होती है, दूसरी ग्राउंड होती है और तीसरी आउटपुट होती है। इनपुट के ऊपर अनरेगुलेटेड वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं और आउटपुट के ऊपर रेगुलेटेड आउटपुट मिलती है। साथियों, तस्वीर में ये चीज़ नोट कीजिए कि जो पॉजिटिव रेगुलेटर हैं उनका नंबर जो है 7-8 से स्टार्ट होता है, और जो नेगेटिव रेगुलेटर हैं उनका नंबर 7-9 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो साथ में L लगा हुआ है, L का मतलब होता है लो पावर। इसका करंट जो है वो लेस देन 1 एम्पियर होता है। और जो नीचे जो दो डिवाइसेस दिखाए गए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनका करंट 1 एम्पियर होता है। ये जो रेगुलेटर्स हैं ये तमाम फिक्स रेगुलेटर हैं। फिक्स से मुराद ये है कि अगर हम 7805 ख़रीदते हैं तो इसकी आउटपुट हमें फिक्स्ड 5 वोल्ट मिलेगी। अगर हम 7812 ख़रीदते हैं तो इसकी फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज हमें 12 वोल्ट मिलेगी। ये मुख्तलिफ नंबर्स में आते हैं, मतलब 7805, 7806, 8, 9, 10, 12, 15, 18 या 24। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, वोल्टेज रेगुलेटर को सही काम करने के लिए कुछ ग़िज़ा भी चाहिए होती है। इससे मुराद क्या है, यानी अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट के ऊपर तो 5 जमा 2 आपको इनपुट के ऊपर 7 वोल्ट कम से कम देने होंगे, ताकि वो आपको सही काम करके 5 वोल्ट रेगुलेट करके दे। इनपुट वोल्टेज का फार्मूला ये है कि आप 2 से 3 वोल्ट आउटपुट से ज़्यादा दें तो ये बगैर किसी हीट सिंक के जो है ये सही काम करेगा। अगर वोल्टेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के दरमियान ज़्यादा है तो फिर आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको इनकी करंट रेटिंग बढ़ानी है तो इसके ऊपर बाईपास ट्रांसिस्टर लगाया जाता है, जिससे कम करंट वाला रेगुलेटर ज़्यादा करंट आउटपुट भी दे सकता है। जहाँ तक बात है प्रोटेक्शंस की, ये सारे रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ होते हैं। थर्मल प्रोटेक्शन होती है और ओवर करंट प्रोटेक्शन होती है। शॉर्ट सर्किट से मुराद ये है कि अगर आउटपुट पे शॉर्ट लीड्स मिल जाएं तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर टेम्परेचर इसका बढ़ जाए एक ख़ास हद तक तो ये ख़राब नहीं होगा। ये अगर आप इस पर ज़्यादा लोड डाल दें तो ये शट डाउन मोड में चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की। इसमें आप पिक्चर में देखें LM317 और LM337 रेगुलेटर नज़र आ रहे हैं। 317 जो है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है और 337 जो है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। इसके अलावा इसमें एक और पैकेज अवेलेबल होता है TO3। TO3 बेसिकली अप टू 3 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर सकता है और इसको हीट सिंक पर लगाया जाता है। रही बात SMD की, तो SMD के लिए जो है SOT89 पैकेज अवेलेबल होता है, जो कि
डायरेक्टली सरफेस के ऊपर माउंट किया जा सकता है। वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट पिन और आउटपुट पिन के ऊपर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया जाता है, जिससे वोल्टेज का तायुन किया जाता है। अगर वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर हम वेरिएबल रेजिस्टर लगा दें तो हम बआसानी वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं। तो ये था एडजस्टेबल रेगुलेटर का एक मुख्तसर सा जायज़ा। इसके अलावा और भी रेगुलेटर आते हैं जो कि स्विचिंग रेगुलेटर कहलाते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया है वो लीनियर रेगुलेटर था। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? लीनियर रेगुलेटर जो हैं उमूमन स्टेप डाउन करते हैं, जबकि स्विचिंग रेगुलेटर स्टेप अप या स्टेप डाउन, जैसे सर्किट डिज़ाइन करें आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथी ने मेरे ग्रुप के ऊपर ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इस पिक्चर को एक्सप्लेन करूं और वीडियो बनाऊं, तो ये मैं आज मेरे लिए पोस्ट कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो लाजमन लाजमन पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इल्म फैलाने से फैलता है, बढ़ाने से बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।